हम देख रहे हैं पैन कार्ड से आधार लिंक करने की प्रक्रिया। प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोई भी काम होता है पहला काम ब्राउजर खोलना होता है। कि हमने क्रोम ब्राउजर खोल लिया, हम यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है इनकम टैक्स ई फाइल, क्योंकि ये काम इनकम टैक्स का है। आप लिखेंगे इनकम टैक्स ई फाइल, लिख देंगे, सर्च कर देंगे तो गूगल खोजने वाला काम कर लेता है। यहाँ पर आप जब भी खुलता तो यहाँ से क्लिक करें, जो ब्लू लिखा है हरे में जो डोमेन नेम लिखा है उसको जरूर चेक कर लेंगे डोमेन नेम क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम टैक्स ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन। डॉट जी ओ वी मतलब क्या है, ये शासकीय साइट है, और डॉट इन मतलब इसका सर्वर कहाँ है, भारत में, जरूर चेक कर लें। ये होता क्या है, लोग देखते नहीं क्या लिखा है हरे में, बस क्या क्लिक कर देते हैं। तो सही लिखा है, ये सही हमें लग रहा है, हमने यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ आ गए हैं, आपका ये शो हो रहा है, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ड्यू डेट दिखा रहा है कि 31 अगस्त हो गई है। लिंक आधार ऑप्शन किनारे यहाँ पर है, लिंक आधार, लिंक आधार हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ डालेंगे पैन नंबर, यहाँ डालेंगे आधार नंबर, यहाँ डालेंगे नाम जो आधार कार्ड में लिखा है, और यहाँ पर टिक तब करना है अगर आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, केवल जन्म का साल भर लिखा है, बस हो गया। कुछ लोगों में होता है केवल जन्म का साल लिखा है, उसमें महीना और दिन नहीं होता, तो यहाँ क्लिक कर देना है। अगर पूरे डेट ऑफ बर्थ लिखे, यहाँ क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर टिक करना है कि आप सहमत हैं कि आपका आधार वेरीफाई किया जाए यूआईडीआई से, क्योंकि आपका आधार डेटा यूआईडीआई के पास है, वहां से वेरीफाई किया जाएगा। और ये डालना है कैप्चा, दिखाई दे रहा है जो ये कैप्चा, हम टाइप कर देंगे, क्या कर देंगे, लिंक आधार, आपका आधार लिंक हो जाएगा। चलिए इसे हम करके देखते हैं। कभी कभी दिक्कत होती है, ये कैप्चा आपका नहीं लेता, कैप्चा कभी आपका ऐसा हो तो क्या करें, इसको रिफ्रेश कर दिया करें, नया कैप्चा आता है तो ले लेता है। कभी दिक्कत ऐसी आए, कभी ऐसी दिक्कत आ सकती है, कैप्चा बार बार टाइप करेंगे इनवैलिड आता है, इनवैलिड कैप्चा नहीं ले रहा है। सिंपल क्या करिए, इसमें रिफ्रेश कर कैप्चा डाल दीजिए तो फिर ले लेता है। सारा काम करेंगे ये, आपके मैसेज आ जाएगा, ये रिक्वेस्ट हैज बीन सेंट टू यू आई डी एफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आधार, प्लीज चेक स्टेटस लेटर बाई क्लिकिंग ऑन लिंक आधार हेल्पलाइन होम पेज। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, यानी मैसेज आ गया। इसका मतलब क्या है, आपकी प्रक्रिया हो गई है, पूरी हो गई है। हमारा काम हुआ या नहीं हुआ ये हम चेक कैसे करेंगे, होम पेज में आएंगे जहां हम शुरू में आए थे। यहां पर क्या ऑप्शन है, फिर वही ऑप्शन, क्या ऑप्शन, लिंक आधार ऑप्शन है, हम यहां क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर क्लिक हियर लिखा है, क्लिक हियर काहे के लिए करेंगे, आपको अगर चेक करना है लिंक आधार रिक्वेस्ट कि हमारा आधार लिंक हुआ या नहीं हुआ है पैन से, हम यहाँ क्लिक कर देंगे। क्या डालेंगे, पैन नंबर, यहाँ डालेंगे आधार नंबर। अब व्यू करेंगे तो अगर लिंक होगा दिखा देगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। हम चेक करते हैं, यहाँ पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, चेक करेंगे, दिखा दिया इसने कि यह हमारा पैन आधार से लिंक हो चुका है, ये टिक दिखा रहा है कि हमारा पैन आधार से लिंक हो चुका है। सिंपल सी प्रक्रिया है लिंक करने की और चेक करने की, हम तुरंत चेक कर लेते हैं, बहुत समय लगता नहीं, तुरंत इसमें हमारा लिंक भी हो जाता है। अब देखा हमने, अभी हमने लिंक किया, अभी हमारा क्या है, लिंक भी हो गया है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, वेरीफाई ऑनलाइन ही होना है, तो काम तुरंत हो जाता है हमारा ये। तो हमने क्या देखा, आधार को पैन से लिंक करना है, मतलब पैन का आधार से लिंक करना है और चेक करना है कि हमारा लिंक हुआ है लिंक नहीं हुआ है।